राकेश जी, चंबल सर फर्टिलाइजर कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय में काफी तेजी आई थी, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर ने उस तेजी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया है। लेकिन अगर हम पिछले 3 दिनों में देखें तो जबरदस्त रिबाउंड स्टॉक में को मिला है, और स्टॉक ने 274 के लो लगाए थे, अभी 303 के आसपास चल रहा है। आज भी स्टॉक कंपेरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है मुझे, और मेरे को लगता है कि अगले 1-2 दिन में अगर ये स्टॉक 300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, कंटिन्यूसली 2 क्लोजिंग 300 के ऊपर दे देता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाएगा ये, और कहीं ना कहीं एक रिबाउंड फिर आने वाले टाइम में हमें स्टॉक में देखने को मिलेगा। और जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि जो बजट का टाइम होता है ना, तो वहाँ पे फर्टिलाइजर को लेके काफ़ी न्यूज़ और काफ़ी न्यूज़ फ्लो रहता है, और बजट में भी कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लो इसके बारे में रहते हैं, वो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स करती है, तो हमें लगता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर आने वाले टाइम में बिल्कुल बहुत अच्छा करेगा अगले 2 से 3 महीने की जहाँ तक मैं बात करूँ तो। लेकिन इस स्टॉक के बारे में पार्टिकुलरली कहें तो 300 के ऊपर लगातार 2 क्लोजिंग अगर ये दे देगा तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो पहला जो टारगेट रहेगा वो 325 का रहेगा, और सेकेंड टारगेट फिर उसके बाद हमें लगता है कि 350 का रहेगा। तो ये है चंबल फर्टिलाइजर।